वालेकुम गाइस। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं जाऊंगी हिडन प्लेसेस देखने इस्लामाबाद, तो सुबह जैसे ही मैं उठी तो मैंने पहले जाके नाश्ता किया और फिर निकल पड़ी एक्सप्लोर करने। तो काफी देखने के बाद मुझे बहुत प्यार जगह नजर आई, वो यहाँ इस्लामाबाद में थी। जो लोग इस्लामाबाद रहते हैं उनको तो पता ही होगा, शायद वो इस तरफ रहती हूँ, ये मालवा रोड से उसके बिल्कुल अपोजिट थी। तो ये पर कई जगह थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, उसके साइड पे लोगों के घर थे पर लोग आते हैं जॉगिंग करने वॉक करने आ रहे थे, तो बारिश बहुत ज्यादा तेज थी इसलिए लोग जरा कम नजर आ रहे हैं और बहुत ही कम लोगों को मेरी सामने जगह बताऊंगी। तो इस जगह से अगर चलेंगे ना तो सामने आपको फैस मजनी आती है, ये आप देख सकते हैं और कितना मजा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पहाड़ भी बिल्कुल प्रोमिनेंट हो रहे हैं, सामने नजर आ रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, शायद आपको आवाज भी आ रही हो। तो काफी देर हमने यहाँ पे इंजॉय किया और काफी देर तक हमने बात की, तो फिर सोचा कि यार अब कहीं और चलते हैं कुछ खाते हैं। तो फिर हमने सोचा चले यार बेस्ट ऑप्शन मार्ग ये है, क्योंकि इतनी बारिश में हमने सामने को ही जा सकते हैं और वही सजा मजाक है। तो जैसे कि मैंने आपको नहीं बताया कि मेरा एफ आई पी भी है कल, तो उसका ब्लॉग भी इंशाल्लाह यूट करूंगी, तो आप इसको व्लॉग भी कह सकते हैं, खैर वीडियो भी कह सकते हैं, वैसे खैर आपको भी विंडो की आवाज दी जा रही है तो भी क्या कर सकते हैं, किस चीज से अपन बोल सकते हैं। तो आ रही है तो आ रही है, इसी के साथ गुजारा कर रहे हैं आप लोग भी। सो फिर मैंने इसके बाद सोचा कि यार कहीं बैठ के खा ही देखो, तो सामने है मेरे बड़ी प्यारी शॉप है जल्दी तो हमसे तो उसी मिलते हो। वैसे वो जब भी आते हैं यही जाते हैं, क्योंकि इनके फ्राइज पकौड़े होते हैं और साथ में चाय भी होती है, वो ज्यादातर हम इनसे ही लेते रहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में चाय का जरा कोटा में अच्छी होती है बट हर जगह नहीं होती, तो इनके पास चाय काफी अच्छी होती है। तो हमने साथ फ्राइज और पकौड़े ले लिए, आप देख सकते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, तो उन्होंने समोसे रोल पकौड़े आज सब कुछ बनाया हुआ था। वैसे इनके पास फ्राइज होते हैं पकौड़े नहीं होते और साथ इनके चाय भी होती है, तो देख सकते हैं इनके पकौड़ों में प्याज भी है, इसलिए इस्लामाबाद में प्याज वाले पकौड़े मिलना बड़ी मुश्किल बात है। सो गाइस ये सब फिनिश करने के बाद काफी शाम भी हो गई थी, तकरीबन रात ही हो गई थी और आप देख सकते हैं बारिश अभी तक नहीं रुकी थी और बारिश बहुत बहुत तेज हो रही थी और बहुत बादल भी हो गए थे, तो हमने कहा इससे पहले कि ज्यादा तेज हो जाए तो फिर निकलते हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। तो फिर हम यहाँ से निकल पड़े इस्लामाबाद की तरफ। तो गाइस मैंने आपको बताया ना कि मेरा एफ एफ पी आ रहा, तो इंशाल्लाह इस टाइम लोग मैं इस बुलाऊंगी, आपको बताऊंगी हम एफ एफ पी में हम क्या बना रहे हैं, तो अभी तो नहीं बताऊंगी, इंशाल्लाह आपको उस दिन बताऊंगी। तो बस दुआ करेगा मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाए और हमारा प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट हो जाए, तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी और आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं तो वो भी इंशाल्लाह हम जरूर कवर करेंगे और उस पर बात करेंगे। और आप इंस्टाग्राम पर पूछते हो लेकिन आप यहाँ नहीं कमेंट कर दिया करें, अगर आपके कोई भी क्यूरी है आपकी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो एंड करते हैं यहाँ पे ब्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।